हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स. इन द फर्स्ट फाइव लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ मशीन, काइनेमेटिक लिंक, कंस्ट्रेंड मोशंस, काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक चेन. इन द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टू टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर वन. इन दिस वी विल डिस्कस मैकेनिज्म एंड इन्वर्शन ऑफ मैकेनिज्म. First one, we will discuss the definition of mechanism. What do you mean by mechanism? When one link of a kinematic chain is fixed for transforming motion, it is called mechanism. As in the previous lecture, we have discussed kinematic chain. Kinematic chain ki jab bhi koi bhi link fix kar doge, usko hum mechanism kahenge. For transforming motion, a mechanism having up to four pairs is called simple mechanism, and the mechanism with more than three links is called compound mechanisms. The new mechanism obtained by replacing one pair with the other so that the degree of freedom of the new mechanism are same as that of the original mechanism, it is called equivalent mechanism. This is the definition of mechanism and equivalent mechanism. उसके बाद इसका इन्वर्शन ऑफ मैकेनिज्म विच इज रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ओनली. इन्वर्शन मैकेनिज्म एज अ मैकेनिज्म इज अपटेन्ड बाय फिक्सिंग वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन, बट इफ द न्यू लिंक आर फिक्स्ड वन बाय वन वी गेट एज मैनी एज न्यू मैकेनिज्म. एज द नंबर ऑफ लिंक्स आर फिक्स्ड एंड ईच ऑफ दिस न्यू मैकेनिज्म आर नोन एज इन्वर्शन ऑफ मैकेनिज्म. जैसे काइनामेटिक चेन में कोई भी हम लिंक फिक्स करेंगे फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, उसे हम मैकेनिज्म ऑब्टेन करेंगे. मैकेनिज्म उसके बाद अगर अलग अलग लिंक हम बारी बारी से न्यू लिंक फिक्स करते जाएंगे, उससे हम न्यू मैकेनिज्म ऑब्टेन करेंगे, जिसे हम इन्वर्शन ऑफ मैकेनिज्म कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्लाइडर क्रैंक चेन बिकम्स ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म इफ द कनेक्टिंग रॉड इज फिक्स्ड. जैसे स्लाइडर क्रैंक चेन एक मैकेनिज्म है, इसका जब हम ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर देंगे तो हमें ऑसिलेटिंग सिलेंडर ऑब्टेन हो जाएगा, ऑसिलेटिंग सिलेंडर. उसी तरह अगर स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का हम स्लाइडर ब्लॉक फिक्स कर देंगे तब हमें पेंडुलम इन्वर्शन मिल जाएगी, पेंडुलम मैकेनिज्म मिल जाएगा, इन्वर्शन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन. ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. कितने हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. ठीक है, फोर बार चेन का एक एग्जांपल है बीम इंजन इज द इन्वर्शन ऑफ फोर बार चेन. उसके बाद स्लाइडर क्रैंक चेन के हमने दोनों कर लिए, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और पेंडुलम पंप, ये दो इसके एग्जांपल हैं इन्वर्शंस. उसके बाद डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, इसका इन्वर्शन क्या है, एलिप्टिकल ट्रिमल. ठीक है, ये था हमारा सिक्स लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स. इसमें हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म, इक्विवेलेंट मैकेनिज्म, इन्वर्शंस ऑफ मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म और उसके इन्वर्शंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.